लेकिन पवन सिंह को देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। सबसे बड़ी बात है ना कि कन्हैया सिंह का एक्सेप्टेंस हो गया है। नीतीश कुमार जब लौट करके आए तो क्या हुआ, अपने जीते हुए सीट छोड़ना पड़ा जी। कि वो आ रहे हैं बिहार में तो क्या बटोर रहे हैं, लुगरिये बटोर रहे हैं ना पुराना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा तैयारी शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या सोच रही है, लेकिन भाजपा इस बार 35 लक्ष्य रखी है, 39 जीती हुई है। बिहार के कई ऐसे सीट है जहां से प्रत्याशी बदले जाने की बात चल रही है। आरा बक्सर ऐसे क्षेत्रों में प्रत्याशी निश्चित रूप से बदले जाएंगे, और ऐसे में अब आरा लोकसभा को लेकर जो मारामारी है उस पर बाबा के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि आरा के जो वर्तमान सांसद हैं उनका पत्ता कटेगा, उनके जगह पर कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चर्चा होगी भाजपा से संभावित उम्मीदवारों को लेकर। हाल ही में आरा के पूर्व सांसद भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, हालांकि ऐसा लगता नहीं है बाबा उम्र को देखकर। अब इस उम्र में लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि अब वो नहीं लड़े, वो राजनीति से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले। ऐसे में भाजपा इतने उम्र दराज लोगों को चुनाव लड़ाएगी जो 24 में भाजपा के ऑफर को ठुकरा देते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सनी, लेकिन एक बहुत बढ़िया सुंदरकांड में श्लोक है कि सुमति कुमति सबके उड़ रही नाथ पुराण निगमस कहें। इसका सीधा मतलब है कि आप थोड़ा सा सिर्फ सौ और का अंतर है वो बदल जाएगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा। आपको पता है कि लगातार बिहार फोकस्ड है और बिहार अमित शाह के लिए सबसे ज्यादा हॉटकेक बना हुआ है। जी जी। यहाँ की 40 सीट अगर आ जाती है तो सत्ता में बैठेंगे, 40 सीट नहीं आती है अगर 50% भी आता तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये तो बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी लगता है और बेचैनी आपको बता रही है कि पुराने पुराने लोगों को आप लुगरी बटोरने लगिएगा तो कोई कहेगा शादी ब्याह में जा रहे हैं, कोई कहेगा भिखमंगिया करने जा रहे हैं, नया कपड़ा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप उठा के देख लीजिए कि वो आ रहे हैं बिहार में तो क्या बटोर रहे हैं, लुगरी बटोर रहे हैं ना पुराना पुराना। मीना सिंह को 2014 में इन्होंने ऑफर किया था, नहीं आई। अब स्थिति यह है कि उनके आने का मकसद निश्चित रूप से आरा है, क्योंकि आरा जो हम लोग शुरू से खबर चला रहे हैं कि आरके सिंह जो है, आरके सिंह का जिस तरह का अब औरा हो गया, जिस तरह से उनका विरोध होने लगा है, हम लोगों ने कई खबरें भी चलाई है किस तरह की बात सामने आई है, उसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है ना कि आरा कहीं ना कहीं, हमने खबरों में बताया भी था कि सबसे बड़ी डिमांड जो है बक्सर आरा काराकट इस सब में जो डिमांड हो रहा था, तो काराकट तो खैर खाली हो गया, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते पिछला चुनाव, लेकिन 2014 के बाद 2019 से ये डिमांड उठ रहा है कि बक्सर से आरा से बाहरी लोगों को हटाया जाए। आरके सिंह बाहरी हैं, अश्विनी चौबे बाहरी हैं, हमने बक्सर को लेकर के ये बात कही भी थी, काफी लोगों ने सोचा रहा भी था बक्सर को लेकर के, हमने सत्य शोध किया था। आरा जो है उसी तरह से एक बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप देखिए श्री भगवान कुशवाहा भी एकदम पीठ पर झोला लेकर के एकदम तैयारी कर रहे हैं, रोज उनका देखिए कि आरा संसदीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं टूर हो रहा है, लड़कों को एकदम माने तैयार कर रहे हैं, और कुशवाहा राजनीति देखिए रहे हैं किस तरह की चल रही है उसको लेकर के, वो भी एक उसमें कैंडिडेट है। मीना सिंह का ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मीना सिंह वहां से सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक बाहरी को हटाया जाएगा तो दूसरा बाहरी कैसे आएगा। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप देखिए कि कई जगह घाटा भी हो जाता है। जैसे 2019 में आप देख लीजिए नीतीश कुमार जब लौट करके आए तो क्या हुआ, अपने जीते हुए सीट छोड़ना पड़ा जी। 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ, आज वो सारे सांसद गलिये में ना करते होंगे भीतर भीतर जी जी। किसी को आप एडजस्ट कर दिए, किसी को सांसदी छोड़ करके IMLC बना दीजिए, उससे तो उसका चलने वाला तो नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक नाम आ रहा है, दो तीन प्रयोग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है, जैसे मनोज तिवारी को चुनाव लड़ा करके, निरहुआ का चुनाव लड़ा करके, रवि किशन को चुनाव लड़ा करके सफल नजर आई है। लेकिन ये सफलता बबूल के नीचे बार बार आम मिलता है क्या? पवन सिंह का इधर देखिएगा, पिछले 4-5 दिनों से जब से यहाँ से गए हैं अमित शाह, रात भर मीटिंग सिटिंग गेटिंग करके उसके बाद से ये चर्चा जबरदस्त चल रही है कि किसको देंगे, तो सबसे पहले तो यही फरियाद है ना कि आरके सिंह को देंगे, मीना सिंह को देंगे, उसके बाद ना पवन सिंह को देंगे। लेकिन पवन सिंह को देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। एक अभिनेता के रूप में पवन सिंह का
तारीफ हो सकता है, अच्छे अभिनेता हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई तरह से लोग उनको पसंद भी करते हैं, स्टेज पर जाते हैं तो उनके डांस से उनके गाने से लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन एक नेता के रूप में उनके जिस तरह की मैंने अभिनेता के रूप में छवि है और व्यक्तिगत उनके सामाजिक जीवन की भी छवि है उसको लेकर के अक्सर कई तरह की बातें सामने आती हैं। क्या ऐसे लोगों को वहां से स्थान दिया जा सकता है? अब सबसे बड़ी बात सनी, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि लोगों को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार पोर्ट्रे कर रही है कि ज्यादा उम्र के लोगों को मौका नहीं देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2024 नहीं 2029 भी देख रही है, हाँ जैसे 2014 लेकर के 2019 देखी थी वैसे 2024 से 2029 तक की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक मोहरा जरूर मिल गया है और इस तरह की गलती नहीं करेगी। आप देख रहे होंगे कि एक शिक्षाविद होते हुए कन्हैया सिंह लगातार जिस तरह का वहां माहौल बनाए हैं और जिस तरह का वो लगातार लोगों को लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई होगा। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत राय है लेकिन इस राय के पीछे जो कारण आपने बताया कि उम्र ज्यादा हो गई है, रिटायर्ड अधिकारी है आर के सिंह को अब क्यों आगे बढ़ाना चाहेगी जब मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जा सकते हैं, लगातार विरोध भी तो हो रहा है, बिल्कुल विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, वही मीना सिंह उनकी भी उम्र अब देख ही रहे हैं, अब बचे पवन सिंह, तो पवन सिंह पर कभी भी दाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाएगी। इसका सीधा मतलब है कि लड़ाई जो है वो भगवान सिंह कुशवाहा सामने नजर आ रहे हैं, जो कि हो सकता है कि जदयू अगर साथ में नहीं आती है नीतीश कुमार के तो वो चुनाव लड़े। इसके बाद आपने देखा कि पिछला चुनाव राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सीट को दे दिया था CPIML को, इस बार भी इस तरह की बातें हो सकती है। सात दलों के गठबंधन में भगवान सिंह कुशवाहा अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं और ये टक्कर कन्हैया सिंह वर्सेस भगवान सिंह कुशवाहा हो तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कन्हैया सिंह लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं और भगवान कुशवाहा जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ दिखा रहा है क्षेत्र में देख कर बिल्कुल तैयारी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है ना कि कन्हैया सिंह का एक्सेप्टेंस हो गया है, वो वहां के लोकल हैं, उनका बचपन वहां बीता है, वहां से हजारों हजार की संख्या में बच्चों को उन्होंने बेहतर शिक्षा देकर के कई कॉरपोरेट कंपनियों में देश विदेश में रखा है। इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं बात साफ नजर आ रही है कि आरा से भाजपा किसको देगी टिकट। उससे पहले जो शाह की लिस्ट है उसमें जो नाम आपको हमने बताया उस लिस्ट में एक नाम कन्हैया सिंह का भी है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आरा में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बक्सर की हम बात कर रहे हैं कि बक्सर में भी एक नया परिवर्तन होगा उसी तरह से आरा में भी हो सकता है और बाकी के जो शाहबाद क्षेत्र के जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन होता नजर आएगा, क्योंकि 2024 में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की पिछली बार 39 जीती थी, इस बार 400 सीट पर उसकी नजर है, अधिक से अधिक जीतना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भाजपा संभावित प्रत्याशियों का लिस्ट बना रही है जिसमें प्रत्याशी का बैकग्राउंड देखा जाएगा, चुनाव में किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया रही है, कैसा उनका उस क्षेत्र में एक्सेप्टेंस है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार भाजपा चर्चा करेगी और 2024 के पहले सीट फाइनल होगा और ये तय होगा कि कौन से प्रत्याशी वहाँ से मजबूत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।